आप देख रहे हैं मैथ्स मीडियम, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमने 3.4 तक क्वेश्चंस कर लिए। 3.5 को करने से पहले एक नया मेथड हमें सीखना पड़ेगा। किस चीज़ का मेथड? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के मेथड्स हम पढ़ रहे थे, है ना। इसमें हमने दो मेथड पढ़े थे, एक था ग्राफिकल मेथड जिसमें हम ग्राफ की मदद से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते थे, ठीक है। सॉल्यूशन जो थे वो तीन टाइप्स के आते थे, एक आता था यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब आता था? जब दो लाइंस ग्राफ के ऊपर किसी एक पॉइंट पे कट कर रही हूँ। एक पॉइंट पे कट करना मतलब कितने एक्स और वाई की कितनी वैल्यू जाएगी, एक ही वैल्यू आएगी, है ना। तो यही जो वैल्यू होता था वो सॉल्यूशन होता था। दूसरा हमने देखा था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में किस तरह से आता था, एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, ठीक है। एक लाइन थी ए बी, मान लो एक लाइन थी ए बी, दूसरी लाइन हो गई सी डी, है ना। तो दोनों एक के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, तो इस पर कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है? बहुत सारे पॉइंट्स पे। तो इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे मुझे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन, जितने पॉइंट्स कॉमन है वो सारे क्या होते हैं? सॉल्यूशन ही होते हैं, ठीक है। तो इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया। और एक था नो सॉल्यूशन वाला केस। नो सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो दो लाइंस थी वो पैरेलल हो जाएगी, मतलब किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक भी पॉइंट इन दोनों में कॉमन नहीं होगा। तो कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो ये नो सॉल्यूशन वाला केस, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड में तीन टाइप्स बताए थे मैंने, ठीक है। पहला जो टाइप था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था कि जो भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे, जनरल जो फॉर्मूला था क्या था, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजकल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजकल टू जीरो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे, किसी एक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाली और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते थे। फर्स्ट में से निकालेंगे एक्स की वैल्यू और दूसरे में एक्स की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। मतलब एक्स की वैल्यू को एक नई वैल्यू से रिप्लेस कर देना, ठीक है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड पढ़ा था हमने एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या किया था कि जो भी हमारा, जैसे ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो क्या करते थे कि इसमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते थे। एलिमिनेट कैसे करेंगे, इनके कोफिशियंट को इक्वल ले आते थे और फिर उसके बाद माइनस करने पे क्या होता था, वो कोफिशियंट के साथ अपना वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता था, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगा, तो उसके बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आज जो पढ़ेंगे वो तीसरा मेथड पढ़ेंगे, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, ग्राफिकल मेथड में हमने बात किया था कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे पता चलता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैसे पता चलता है और नो सॉल्यूशन कैसे पता चलता है, ग्राफ ड्रॉ करते ही पता चल जाता है। इसमें कैसे निकालते थे, इसमें हम रेशोज निकालते थे, है ना। क्या करते थे, ए वन बाई ए टू, ठीक है, फर्स्ट जो पेयर फर्स्ट इक्वेशन जो है और सेकेंड इक्वेशन है उसके एक्स के कोफिशियंट का रेशो निकाला। अगर वो सेकेंड वाई के कोफिशियंट के रेशो के इक्वल नहीं आता है ना, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर तीनों ही इक्वल आ जाते हैं, है ना, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर
इक्वल है बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल है सी वन बाई सी टू, तो इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो था पीछे अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जैसा कुछ था। ठीक है, और आज हम जो स्टार्ट करने वाले वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, तो आज पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो ये क्या चीज़ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये भी एक तरीका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालने का एक और तरीका है। ठीक है, जैसे एलिमिनेशन मेथड था और सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ग्राफिकल मेथड था, उसी तरह से ये भी एक मेथड है। ठीक है, तो जैसे सभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जनरल जो फॉर्म होता है क्या होता है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजकल टू जीरो, ये जनरल फॉर्म है। और दूसरा इक्वेशन क्या ले लेंगे, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजकल टू जीरो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास जनरल फॉर्म। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो जैसे नाम पता चल रहा है क्रॉस और मल्टीप्लिकेशन, है ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा कुछ। ठीक है, तो सीधा चलते हैं इसके लॉजिक पे कैसे करते हैं। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो जो हमारे पास जो हमारे पास वेरिएबल है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, एक्स है, फिर क्या है वाई है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है ना। पहला टर्म जो है उसमें क्या वेरिएबल है, एक्स है, दूसरे में वाई है और तीसरे में कुछ भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, एक्स, दूसरा वेरिएबल वाई, तीसरा वेरिएबल कुछ नहीं है, तो वहाँ पर लिख देंगे वन। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब एक्स के साथ क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो देखो एक्स वाला एक्स लिखा हुआ है तो एक्स को हमें छुपा देना है, तो क्या बच जाएगा, वाई वाला और बिना कॉफिशियंट, बिना वेरिएबल वाला। ठीक है, तो वाई वाले के कॉफिशियंट देखो क्या है, बी वन बी टू, और बिना वेरिएबल वाले के कॉफिशियंट क्या है, सी वन सी टू। तो एक्स के साथ हमें क्या लेना है, एक्स को छुपाने के बाद जो कॉफिशियंट बच जाएंगे उन कॉफिशियंट को लेना है। एक्स को छुपा लिया, बाकी जिसके कॉफिशियंट बच गए वो लिख, तो क्या क्या आ गया, बी वन आ गया, बी टू आ गया, वहाँ से क्या आ गया, सी वन और सी टू। ठीक है, तो ये कॉफिशियंट्स आ गए, है ना, कॉफिशियंट तो समझते हो ना, जो वेरिएबल के साथ वैल्यू होती है उसको कॉफिशियंट कहते हैं। ठीक है, अब वाई के साथ क्या लेना पड़ेगा, तो उसी तरह से जैसे एक्स के साथ लेने के लिए एक्स को छुपा दिया, तो वाई के साथ लेने के लिए वाई को छुपा देंगे, क्या बच जाएगा, सी वन सी टू और ए वन ए टू, है ना, सी वन सी टू बच जाएगा, इधर ए वन ए टू बच जाएगा। तो सी वन सी टू पर लिख दिया, क्या लिखना पड़ेगा, और ए वन ए टू। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा वाला जो वेरिएबल है जिसका कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो वन वन लिखा है मैंने, तो वन के साथ के लिए इसको छुपा देंगे, क्या बच जाएगा, ए वन ए टू और बी वन बी। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वन सॉरी ए वन ए टू तो है ही आ गया, है ना, बच क्या गया, बी वन बी टू, वो लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे x डिवाइड का साइन, इसके नीचे जो भी वैल्यू लिखनी है बताऊँगा, फिर इसके बाद y यहाँ पे, इसके नीचे वैल्यू लिखी जाएगी, फिर तीसरा क्या है, वन इक्वल टू वन लिखना है और उसके नीचे की वैल्यू। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इनके नीचे की वैल्यूज़ वो देखते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स के नीचे लिखने के लिए एक्स के नीचे ये चार एलिमेंट है मेरे पास, है ना, चार वैल्यूज है, तो क्या करेंगे, ये मैंने क्रॉस किया, ठीक है, और ये क्रॉस किया, पहले क्या जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ, दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ। तो ऊपर से नीचे जाने के लिए क्या हो रहा, बी वन और सी वन सी टू, है ना, तो बी वन को सी टू से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, बी वन इंटू सी टू। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है हमें, माइनस साइन, और उसके बाद माइनस के बाद क्या करेंगे, नीचे से ऊपर वाले की तरफ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बी टू सी वन, तो यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई करके बी टू सी वन, है ना। तो क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, देखो बी वन सी टू, है ना, क्रॉस में मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन लगाया, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, लिख दिया। ठीक है, तो ये एक्स के नीचे हो गया, वाई के नीचे कैसे लिखोगे, वाई के लिए चार एलिमेंट ये आ गए। ठीक है, तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ गए, सी वन ए टू माइनस, नीचे से ऊपर की तरफ गए, क्या आ जाएगा, सी टू ए वन। ठीक है, तीसरा जो है वन के नीचे ऐसे जाएंगे, ए वन बी टू, बीच में माइनस साइन, ए टू बी वन। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई, एक्स के नीचे क्या आना है, वाई के नीचे क्या आना है, और
वन के नीचे क्या है, ठीक है। अब मेन जो हमारा मोटिव होता है क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू होती है ना। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से सिंपल सी चीज़, एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की क्या वैल्यू होगी वो हमें निकालना। तो एक्स की वैल्यू देखो, ये एक वैल्यू है, ये तीनों आपस में इक्वल है, तीन वैल्यूज आपस में इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, ठीक है। तो अब मैं दो चीज़ें ऐसी लूँगा जिससे मुझे x आ जाए और दो चीज़ें ऐसी लूँगा जिससे मुझे y की वैल्यू पता चल जाए। तो अगर मैं इसको और इसको एक साथ ले लूँ तो क्या मुझे कुछ पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, दो वेरिएबल आ जाएंगे, है ना। अगर मैं x की वैल्यू और बिना वेरिएबल वाली वैल्यू ले लूँ, इसको और इसको ले लूँ, है ना, तो जो यहाँ से वैल्यू x की वैल्यू निकल जाएगी, है ना, और फिर इसको और इसको ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको ले रहे हैं, इसको इसको, है ना, क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, वन अपॉन ए वन बी टू माइनस बी टू बी वन, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, देखो तीन वैल्यू है, मान लो पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, पी जो है क्यू के भी इक्वल है, पी जो है आर के भी इक्वल है, क्यू जो है पी के तो इक्वल है ही, आर के भी इक्वल है, ठीक है ना। तो तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं किसी को भी किसी के इक्वल रख सकता हूँ, ठीक है। एक्स बाई दिस को मैंने इसके इक्वल रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में वैल्यू चाहिए, ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी डिवाइड में, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। तो ये हमारा एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हमें जब भी क्वेश्चन आएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखने के लिए और तो एक्स निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बी वन सी वन, बी वन सी टू ए वन बी टू, बी टू सी वन ए टू बी वन, ये सब क्या है, ये कॉफिशियंट है ना, जो भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उनके कॉफिशियंट होंगे, ठीक है। बी वन जो होगा वाई का कॉफिशियंट होगा फर्स्ट इक्वेशन का, सी टू जो होगा कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी सेकेंड इक्वेशन की, ठीक है। तो इसी तरह से अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को इक्वल रख लोगे, है ना। तो क्या लिखोगे, y अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। अब y कैसे आएगा, ये जो डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया, सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन अपॉन में ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है। ये वाई की वैल्यू हो गई, है ना। तो वाई की वैल्यू भी आ गई और एक्स की वैल्यू भी आ गई। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जब भी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी रहेगी तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं फार्मूला याद नहीं रहता तो ये पूरा प्रोसेस एक बार दोबारा कर लेंगे फिर से आ जाएगा, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दे रखा है, इनमें से हमें देखना है यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो कौन से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ रहा है, ये हमें चेक कर, ठीक है। तो और उसके बाद अगर उसके बाद एक और चीज़ है, इन केस देयर इज़ ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और कह रहा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस नाइन वाई माइनस टू इक्वल टू। तो ये दो इक्वेशन है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम तो ये करना है कि कौन किस तरह का ये सॉल्यूशन है इसका, है ना, यूनिक है, इनफाइनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन। तो उसको चेक करने के लिए क्या करते थे, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू का रेशियो निकालते थे और उसके हिसाब से चेक करते थे। ए वन ए टू, ए वन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन अगर ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, ए वन क्या हो जाएगा वन, बी वन क्या हो जाएगा
माइनस थ्री, और सी वन क्या हो जाएगा माइनस थ्री, ठीक है। कोफिशियंट्स बस लिखने होते हैं, ए टू क्या हो जाएगा थ्री, बी टू क्या हो जाएगा माइनस नाइन, और सी टू क्या हो जाएगा माइनस टू। तो ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू हमने निकाल लिया। अब इनके रेशो निकालते हैं, ए वन बाई ए टू क्या हो जाएगा बताओ, वन बाई थ्री आ गया। बी वन बाई बी टू क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई नाइन, माइनस नाइन, माइनस से माइनस कैंसिल, थ्री से थ्री टाइम्स में, तो क्या आ रहा है वन बाई थ्री आ रहा है ये भी, ठीक है। और सी वन बाई सी टू बोलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई माइनस टू, ठीक है, माइनस कैंसिल थ्री बाई टू आ रहा है। तो क्या कौन सा कंडीशन बन रहा है, देखो ए वन बाई ए टू बी वन बाई थ्री है, और बी वन बाई बी टू भी वन बाई थ्री। तो यहाँ से बोल सकते हैं ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ठीक है। लेकिन क्या सी वन बाई सी टू इक्वल है, नहीं है, तो नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये कंडीशन, ये केस बन रहा है। तो ये कौन सा केस होता है, नो सॉल्यूशन का, कौन सा केस होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन क्यों, ये पैरेलल लाइंस का कंडीशन है ना, पैरेलल लाइंस आ रहे हैं इसमें, तो नो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन एक ही बात है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन है तो यहाँ सॉल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं, तो इसको सॉल्व करना नहीं है। किस केस में बस सॉल्व करने के लिए बोला है, जब यूनिक सॉल्यूशन हो तभी बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, है ना, नो सॉल्यूशन है इसका आंसर। तो अब ये सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है, सेम वही तरीका लगाना है। तो इसको सबसे पहले जनरल फॉर्म में ले आते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, है ना, इक्वल टू जीरो फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये फाइव इधर आके क्या हो जाएगा माइनस फाइव हो जाएगा, है ना। तो इसको फाइव को इधर ले आए, क्या हो गया माइनस फाइव और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वैसे एट को इधर लाएंगे माइनस एट हो जाएगा और इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दिया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब किस तरह का सॉल्यूशन है इसका, वो देखने के लिए रेशो निकालना पड़ेगा। उसके लिए ए वन बताओ टू हो गया, बी वन वन हो गया, वाई का कोफिशियंट वन है, ठीक है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में। सी वन कितना हो गया माइनस फाइव, और ए टू अगर बताता है तो थ्री हो गया, बी टू टू हो गया, और सी टू माइनस ए टू, ठीक है। ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू आ गया। अब रेशो निकालते हैं, ए वन बाई ए टू की वैल्यू टू बाई थ्री, बी वन बाई बी टू की वैल्यू वन बाई टू, ठीक है। बस इतना ही दिख गया, ए वन बाई ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू आ रहा है, ठीक है, ए वन बाई ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू है। तो कौन सा केस होता है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, है ना, क्या होता है इंटरसेक्ट एट पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इस तरह वाला, है ना। तो इसमें क्या कितने सॉल्यूशन आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और क्वेश्चन में भी कहा गया कि जब यूनिक सॉल्यूशन आए तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, जो एक्स और वाई का फॉर्मूला बताया था, है ना, उससे कर सकते हो। और एक तरीका जो स्टार्टिंग से जो प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार पूरे प्रोसीजर वाले मेथड से करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है प्रोसीजर वाला मेथड, एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, और थर्ड वाले में क्या है वेरिएबल, कुछ नहीं है तो वन लिख दिया, ठीक है। इसके बाद एक्स के साथ क्या होता है, बी वन बी टू सी वन सी टू, एक्स एक्स वाले को छुपा लेंगे, है ना, तो ए वन ए टू हट जाएंगे, बी वन बी टू आ जाएगा, बी वन बी टू और सी वन सी टू। तो क्या हो जाएगा, बी वन की वैल्यू है वन और बी टू की वैल्यू है टू, सी वन सी टू क्या होता है माइनस फाइव और माइनस एट, ठीक है। वाई के साथ क्या लेना है, वाई वाले को छुपा लिया, मतलब बी वन बी टू छुपा लिया, बच क्या गया सी वन सी टू और ए वन ए टू, सी वन सी टू लिख दिया है, ए वन ए टू क्या हो जाएगा टू और थ्री, ठीक है, यहाँ हो गया टू और थ्री। वन वाले के साथ सी वन सी टू को छुपा लो, ए वन ए टू और बी वन बी टू, टू थ्री आ गया है, वन और टू लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, है ना। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज़ करना है। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है ना, तो क्या करते हैं, फर्स्ट पहले नीचे की तरफ जाएंगे फिर ऊपर की तरफ, ठीक है। क्रॉस कैसे जाएगा, इस तरह से, तो क्या हो जाएगा वन इंटू माइनस एट, वन इंटू माइनस एट, फिर बीच में क्या साइन लेते हैं माइनस का, उसके बाद ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स के नीचे वैल्यू आ गई, वैसे ही वाई के नीचे की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई अपॉन, इस तरह से चलेंगे इसमें, ये क्रॉस हो गया पहला, तो माइनस फाइव और थ्री का मल्टीप्लाई, तो माइनस फाइव इंटू थ्री। ठीक है, उसके बाद बीच में क्या आता है, माइनस साइन, फिर ऊपर की तरफ चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस एट इंटू टू, माइनस एट इंटू टू, ये हो गया वाई के नीचे की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से अब तीसरा क्या होता है, वन है ना, तो वन के नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वन के नीचे, फिर ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस, तो टू इंटू टू, टू इंटू टू, फिर बीच में माइनस साइन, फिर ऊपर की तरफ चलेंगे, थ्री इंटू वन, तो थ्री इंटू वन, ये आ गई। ठीक है, तो ये x के नीचे और y के नीचे और 1 के नीचे की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करते थे कि x की वैल्यू निकालनी है, तो अब तीन चीज़ें इक्वल है, तो ये इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है ना, तीनों आपस में इक्वल है, तो x को निकालने के लिए क्या लेते थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, है ना, उन दोनों को इक्वेट कर देते थे, इक्वल रख देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम अबव क्या लिख देंगे, x अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू माइनस 8, माइनस का 8, ठीक है, 2 इंटू माइनस 5, माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 इंटू माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, देखो ऐसे माइनस ये है, 2 इंटू माइनस 5 कितना होगा, माइनस का 10 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या रखोगे, 1 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1, 3, ठीक है ना, उसके साथ कोई साइन नहीं है इसलिए ऐसे रख दिया, यहाँ पे क्या था, एक माइनस साइन भी आ रहा था, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है, अब सॉल्व करूँगा इसको। ठीक है, तो x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, माइनस 8, अब बताओ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस है ना, जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाते थे, प्लस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 4 माइनस 3 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे x अपॉन 10 प्लस का है और 8 कितना है, माइनस का, तो कितना क्या आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 इंटू 1, एक्स आ गया 2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2 यहाँ से। ठीक है, इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर देंगे आपस में। ठीक है, तो सेकंड को और थर्ड को देखते हैं, तो y अपॉन, बताओ क्या हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 3, माइनस 15। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस का 15, माइनस का 15 हो गया ये। ठीक है, बीच में माइनस साइन है, माइनस 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 16, 8 इंटू 2 16 और माइनस का साइन है। ठीक है, इजक्ल टू ये वाला टर्म, तो 1 बाई 2 इंटू 2 4, माइनस 3 इंटू 1 3। ठीक है, अब y अपॉन माइनस 15, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 16। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, इजक्ल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3 1। ठीक है, अब बताओ y अपॉन माइनस 15 और प्लस 16 कौन सा ज़्यादा है, प्लस का ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो एक आ जाएगा, इजक्ल टू 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1 इंटू 1 है ना, इक्वल टू 1, तो y आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सॉल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इसके लिए। ठीक है, अब इसी तरह से थर्ड और फोर्थ पार्ट भी इसका हम कर लेंगे, है ना, करके देख लेना, इसी तरह से करना है, अगर उसमें यूनिक सॉल्यूशन आ रहा होगा तो इस तरह से सॉल्व करना, अगर उसका नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा तो बस यहीं तक करना है। ठीक है, तो करके देखना उसको, आगे अगले वीडियो में देखेंगे।